हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजूस क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों को इटैलिक कैलीग्राफी सिखा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है। उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो मैं बताती हूँ। ये सबसे पहले ये है ट्रांसपेरेंट फोटो कलर, ये कैमल कंपनी की है ट्रांसपेरेंट फोटो कलर। डीप येलो कलर लिया है मैंने इसमें, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें 12 शेड्स आते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद ये कैलीग्राफी का पेन भी आता है पूरा, इसमें चार तरह की निब रहती हैं, हर तरह की निब्स हैं इसमें। और ये इसमें इस तरीके से दो नंबर की निब लगी हुई है। और वैसे मैं मोस्टली ये पेन बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत प्रॉपर चलते नहीं हैं, इसलिए मैं खुद से पेन बनाती हूँ। मतलब इसको खुद के अकॉर्डिंग इसको कट करती हूँ ये निब को। तो ये सिंपल अपन लोगों को ये निब वाला पेन लेना है। इसके बाद आपको सीजर से इसकी ये पहले इस तरीके से आपको पकड़ना है पेन को, और हल्के हाथ से इसको तिरछा कट करना है, ऐसे तिरछा लाइक दिस। ये तिरछा कट करना है, इसका पॉइंट हटाना है। इसके बाद आप लोगों को एक सैंड पेपर लेना है, 0 नंबर का जो आता है, मोस्टली 320 नंबर है वैसे। और इसको इस पर जहाँ से हम लोगों ने कट किया था तिरछा, उसको उसी तरीके से इस पर रखना है और हल्के हाथ से इसको ऐसे स्मूथ करना है दोनों साइड से, बैक साइड से भी, तिरखाड़े में भी। अब इसके लिए हम लोगों को एक मैथ्स वाली कॉपी लेना है आप लोगों को। मैथ्स वाली कॉपी है कि इसलिए कि हमको मेजरमेंट करके इसके फॉन्ट्स बनाना है, इसलिए मैथ्स वाली कॉपी लेंगे, ठीक है। पहले हम पेन को ट्राई करते हैं कि हमारा पेन सही चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा अभी भी है, तो इसको फिर से हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। प्रॉपर वर्क कर रहा है अपना पेन, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इटैलिक कैलीग्राफी में उसके कुछ बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं, पहले हम वो सीखेंगे, देन अल्फाबेट सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों ने तिरछा काटा हुआ है पेन को, इसको प्रॉपर इस लाइन पर रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से। इसके बाद ये इसका फर्स्ट स्ट्रोक हुआ, देन पेन को इस तरीके से खड़ा करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस लाइन को आपको मिलाना है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड स्ट्रोक है, ये पूरा पेन रखना है, पूरा जो हम लोगों ने काटा था उसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आपको मिलाना है। इसके बाद ये जो लाइन है इस पर हल्का सा इस पेन को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है स्ट्रोक लाइक दैट। जब भी आपको लगे कि पेन आपका थोड़ा सा वैसा चल रहा है हार्ड, तो आप इसको हल्का सा इस पर रब कर लें सैंड पेपर पे और फिर लिखें इसको। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रोक है, इस लाइन के इस साइड हम लोग पेन रखेंगे और हल्का सा पेन को टर्न कर देंगे, ऐसे नीचे से टर्न करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ फिनिश करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ फिनिश करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है इसका, इस ये हल्का सा इसका ऐसे राउंड शेप लाइक दैट, यहाँ से स्टार्ट करना है पेन को ऐसे करना है। ये तो ये इसके सारे बेसिक स्ट्रोक्स हो गए। ये हमारी इटैलिक कैलीग्राफी है, ठीक है, इटैलिक वो है फॉन्ट्स पूरे। अब हम इसके फॉन्ट्स बताएंगे आपको। सबसे पहले इसके हम कैपिटल अल्फाबेट्स बताते हैं आप लोगों को। कैपिटल में यहाँ से अब हम सबसे पहले इसका कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक तिरछी लाइन और इस तरीके से ये,
उसके बाद भी पहले कैलीग्राफी में एक खासियत होती है कि ये इसके लेटर थोड़ा सा तिरछे लिखाते हैं। नेक्स्ट है सी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ फिनिश करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ फिनिश करेंगे। नेक्स्ट डी, इसके बाद ई, इस तरीके से आपको स्क्वायर वाली मैथ्स कॉपी पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ई एफ देन जी, एल, एम, क्यू, आर, एस, टी, यू, देन बी, डब्ल्यू, एक्स, देन जेड। ये हमारे अब कैपिटल अल्फाबेट्स हो गए। अब स्मॉल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए सबसे पहले पेन को इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथ से इस तरीके से पेन को टर्न करेंगे। सबसे पहले एक हल्की सी मोटी लाइन, फिर मोटी लाइन, फिर पतली, फिर मोटी, ए, बी, सी, डी के लिए इस तरीके से, ई, एक बार आप लोग सीख जाओगे तो आप लोगों का भी हाथ इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी चलने लगेगा। जी, एच,
M N O P Q P U V W X Y Z. हम इसका आपको एक सेंटेंस लिखकर बताते हैं जिसमें पूरे 26 अल्फाबेट्स आएंगे, वो सेंटेंस मैं आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है। तो सेंटेंस है, द क्विक जब भी हम ऐसे लिखते हैं इसे प्रॉपर डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। द क्विक जम्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें पूरे 26 अल्फाबेट्स आ जाते हैं इस सेंटेंस में। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा कोई भी सेंटेंस, कुछ भी, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप। मंजूस क्रिएशंस, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आप लोगों को गाइस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं इस तरीके से तरीके के बहुत से वीडियो जो आप लोगों को बहुत काम में आएंगे, बच्चों के स्कूल के, जैसे ये जो चीज़ है कैलीग्राफी, बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, तो बच्चे इस चीज़ को बहुत इंजॉय भी करेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए यदि आपको पसंद आया हो, और इसको अधिक से अधिक लोगों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए, ओके, ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।